हेलो बच्चों, मेरा नाम पीयूष सिंह है और मैं इवॉल्व केयर इंस्टीट्यूट में केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। और मेरे साथ सर हैं, ये भी केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, तो सर का अपना परिचय दे दीजिए सर। तो मैं खान सर हूँ और हम लोगों ने कल जो नीट के पेपर हुए हैं तो उसमें केमिस्ट्री के पेपर कल हुआ है, उसमें केमिस्ट्री के भी थे पोर्शन। तो हम लोगों ने एनालिसिस किया है और आज एक एक क्वेश्चन करके हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये मेरे डॉन सर, आप लेते हैं पहला क्वेश्चन। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन वैसे पेपर बहुत आसान था, इस चीज को याद रखना आप लोग, तो भी हम लोग ट्राई करेंगे, जल्दी जल्दी कंप्लीट करेंगे चीजों को। तो क्वेश्चन नंबर 51 केमिस्ट्री का है, ये क्वांटम नंबर का क्वेश्चन है, जी बहुत आसान है, देखते ही समझ में आना चाहिए था कि क्या आंसर होगा। मैट्रिक्स मैथ वाला क्वेश्चन है। हम लोग स्टार्ट करते हैं एन से, क्यों? क्योंकि एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और एन मेनली किसको बताता है, किसको बताता है तुम्हारा, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स को बताता है। यानी डी का कितना हो जाएगा तुम्हारा, डी का हो जाएगा आपका शेप ऑफ ऑर्बिटल। अच्छा बताइए एम एस क्या होता है, स्पिन, स्पिन क्या बताता है इलेक्ट्रॉन के स्पिन, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल के अंदर, ठीक है। एल क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर, ये क्या बताता है, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है। बचा क्या तुम्हारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये ओरिएंटेशन बताता है। तो आप मैच कीजिए कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। देखिए फर्स्ट यानी डी का, एन का क्या है सर, एन का कौन सा है तुम्हारा, एन का हो एन गया का हो तुम्हारा जाएगा शेप ऑफ ऑर्बिटल, यानी डी का हो गया आपका सेकेंड। डी का सेकंड किसमें है, इसमें है। देखिए एक ही ऑप्शन है, कुछ अदर जाने की जरूरत बहुत ही ही नहीं, आसान इसलिए क्वेश्चन थर्ड था। मार के चले गए, आसान है। क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन जो है वो है तुम्हारा किसका, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कंपाउंड का, का और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का वेटेज हमेशा ही रहा है, ये आप जानते ही हैं, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर टू बहुत आसान है, सेफ्टी का क्वेश्चन, पैराडाया पूछा है, जिसमें कोबाल्ट किसमें बेटा, कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पर है, और यहाँ पे कोबाल्ट किसमें, +3 में, लेकिन अंतर दोनों में क्या है, एक में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और एक में क्या है, वीक फील्ड लिगेंड। आपको पता ही होगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पेयरिंग करता है, वीक फील्ड लिगेंड पेयरिंग नहीं करता है। जब पेयरिंग करेगा तो कोबाल्ट +3 में है, और कोबाल्ट +3 में है तुम्हारा, और कोबाल्ट +3 का मतलब ये हो गया कि 4S2 और क्या होता है 3D7, +3 है तो दो यहां से निकाल लेंगे, यहां से निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा 3D6, जी क्योंकि T2G और E के दो पार्ट में स्प्लिट होता है, तो आप जब भरेंगे T2G में इलेक्ट्रॉन तो ये पेयर हो जाएगा, और पेयर होने की वजह से नेचर में क्या हो जाएगा, डाया, ठीक है। और CO3 ये भी +3 है, लेकिन यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन पेयरिंग नहीं होगी तो जब भरेंगे 1 2 3 4 5 6 तो आपके पास यहाँ पे अनपढ़ इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, और अनपढ़ इलेक्ट्रॉन बचने की वजह से नेचर में क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। तो बोथ आर ऑक्टाहेड्रल, बिल्कुल सही है, और बट डिफरेंट देयर मैग्नेटिक बिहेवियर, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि मैग्नेटिक बिहेवियर म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, √(n)(n+2) और यूनिट आपको पता है बोहर मैग्नेट्रॉन, इसमें अनपढ़ इलेक्ट्रॉन है नहीं, इसमें है, इसलिए दोनों का मैग्नेटिक बिहेवियर क्या हो जाएगा आपका अलग। तो स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू टू इज द दोनों क्या करेक्ट है, आंसर। सही है, ठीक है ना, बोथ स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू आर तो करेक्ट, ऑप्शन नंबर सेकंड। ऑप्शन नंबर सेकंड। 53 क्वेश्चन है सर बता रहे हैं आपको, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का आसान क्वेश्चन है, चलिए डिस्कस। अब देखिए 53 में जो क्वेश्चन दिया गया है, इसमें दिया गया आपको का जो दिया स्टैंडर्ड वैल्यू दी गई है सबकी Mn3+ की। तो इसमें क्या होगा कि पहले देखा जाए Mn3+ जो है, Mn3+ इसका मतलब समझ लो कि इसका जो सबसे पहले Mn का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है वो होता है 3d5 4s2, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें अगर तीन इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर यहाँ पे हो जाएगा 3d4 सिस्टम, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे, जब ये इसमें कन्वर्ट होगा किसमें, Mn2+ में, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कितना हो जाएगा, 3d5। तो यहाँ पे जो आपके पास क्वेश्चन दिया गया है कि भैया कपल कौन होगा सबसे पहले आसानी से, ठीक है, उसमें दिया गया पॉजिटिव, तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, d4 से d5, यानी आंसर नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। जी सर, चलिए जी आगे सर, चलते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। ये देखिए भैया आपका SN1, आपका फेवरेट, हमेशा से पूछा हुआ क्वेश्चन है, और SN1 का बोलना है रेट इसमें फास्ट होगा, आपको पता है SN1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, तो आपको देखना है कि कौन सा कार्बोकैटायन सबसे स्टेबल है। भैया आपको नजर आ रहा है ब्रोमीन लीविंग ग्रुप की तरफ बाहर निकलेगा, कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, और इससे स्टेबल कार्बोकैटायन सर है ही नहीं, इसलिए रिएक्शन का रेट क्या होगा, सबसे फास्ट होगा। 55 क्वेश्चन देखते हैं, बहुत आसान है, बॉइलिंग पॉइंट क्वेश्चन, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम और आप। बॉइलिंग पॉइंट देखिए क्या है, एन पेंटेन, आइसो पेंटेन, नियो पेंटेन, आपको पता है बॉइलिंग पॉइंट बहुत चीजों पर डिपेंड करती है, लाइक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मॉलिकुलर वेट और ब्रांच, लेकिन यहाँ तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नाम की कोई चीज नहीं है, तुम क्या देखेंगे, मॉलिकुलर वेट, और वो भी बराबर है, तो क्या देखेंगे, ब्रांचिंग, ये नॉर्मल है, ये आइसो और नियो, नियो में ब्रांचिंग क्या होती है, ज्यादा ब्रांचिंग ज्यादा होने के वजह से इसका स्फेरिकल शेप हो जाएगा, सरफेस एरिया कम हो जाएगा, और बॉलिंग पॉइंट क्या हो जाएगी इसकी, कम, तो बॉलिंग पॉइंट का ऑर्डर तो बहुत सही है, और रीजन बिल्कुल सरफेस एरिया की बात किया हुआ है, तो इस वजह से रीजन भी इसका बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। तो
तो 55 का आंसर क्या होगा, बोथ स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू आर करेक्ट। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन सेकंड, सेकंड सर, ऑप्शन सेकंड, बोथ स्टेटमेंट वन एंड सेकंड। और देखिए 56 बहुत आसान है, थर्मोडायनेमिक्स सर, ये देखिए थर्मोडायनेमिक्स के बहुत ही आसान क्वेश्चन आए हुए हैं। इसको देखो कैसे करना है, आइसोथर्मल प्रोसेस। पहले क्या दिया गया, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल मतलब कि भैया टेम्परेचर आपका क्या रहेगा, इसमें जो टेम्परेचर रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। तो देखिए पहले ही आंसर आपको दिख रहा होगा, आइसोथर्मल प्रोसेस जो होगा एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो ए हो जाएगा। लेकिन अगर चेक करना चाहे तो क्या कैसे कर सकते हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस मतलब वॉल्यूम आपका क्या रहेगा, इसमें जो रहेगा वो कॉन्स्टेंट रहेगा। उसके बाद क्या क्या है, आइसोबेरिक, आइसोबेरिक मतलब प्रेशर आपका कॉन्स्टेंट रहेगा। तो देखिए यहाँ पे वॉल्यूम कॉन्स्टेंट कहीं दिया, बिल्कुल दिया है आइसोकोरिक, इसका मतलब कि बी का क्या हो जाएगा, थर्ड। तो ऑप्शन दिख गया आपको, ठीक है, पहले ही बता दिया था वो। उसके बाद एक क्वेश्चन और है यहाँ पे, देखिए ये है, ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे, ये है केमिकल काइनेटिक्स इक्वेशन, अरहेनियस इक्वेशन, बहुत फेमस इक्वेशन है, जानते होंगे। यहाँ से अगर किसी को देखा जाए तो ये क्या पूछा गया कि एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ एन एनी केमिकल रिएक्शन कैन बी कैलकुलेटेड इफ वन नोज द वैल्यू, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी जो होता है ये कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं जब दो चीज दिया हो। तो देखो एक इक्वेशन पढ़े होंगे, अगर ln K2 by K1 बराबर EA by R ब्रेकेट में 1/T1 - 1/T2। अब देखो ये क्या है कि अगर एक्टिवेशन एनर्जी को कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको K पता हो, दिस इज द रेट कांस्टेंट, तो भैया आपके पास क्या पता होना चाहिए, रेट कांस्टेंट, और उसके बाद टेम्परेचर अगर पता है तो आप अरहेनियस जो है इक्वेशन से आप एक्टिवेशन एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ऑप्शन देखिए क्या गया, रेट कांस्टेंट एट टू डिफरेंट टेम्परेचर, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है सर, ओके। क्वेश्चन नंबर 58 फिर से आ गया इनऑर्गेनिक का सर, फर्स्ट टाइम तो पूछता ही है, पीरियोडिक टेबल का बहुत फेवरेट है, पता नहीं क्यों है ना, हमेशा ही क्वेश्चन पूछता है। आयनस एनर्जी का ऑर्डर है कुछ दिया ही नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है, फर्स्ट टाइम एनर्जी आया, सेकंड थर्ड का थोड़ा टफ भी होता है। ठीक है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन नाइट्रोजन है, ऑब्वियस सी बात है, नाइट्रोजन हाफ फील्ड है, सबसे ज्यादा आईपी कौन रखेगा, नाइट्रोजन, फिर उसके बाद कौन होगा, कार्बन। अब बेरिलियम बोरॉन में बेरिलियम क्या है, तुम्हारा फुलफिल्ड है, और फुलफिल्ड का मतलब क्या हो गया आपका 2s2, ये क्या है आपका 2p1। फुलफिल्ड होने के वजह से इसके आईपी अपने नेबरिंग एटम से क्या होगी, ज्यादा होगी। तो बोरॉन और बेरिलियम में कौन हो जाएगा, तुम्हारा बेरिलियम बोरॉन, एंड देन क्या हो गया आपका लिथियम। सर कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है बताइए थोड़ा, ऑप्शन नंबर सर ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि हमारे सर ने बोल दिया। 59 तो बहुत ही आसान है यार, इसको पढ़ने की जरूरत बिना सर उसे जाए लिक्विड में, बहुत आ रहा है भाई, कोई भी चीज अगर सॉलिड से कहां जा रहा है, गैस में जा रहा है, गैस में जा रहा तो कौन सा ऑप्शन सर होता है ना आसान क्वेश्चन। ठीक है, ये देखिए 60 क्वेश्चन पीयूसी का ही पार्ट है भैया, आपको पता ही होगा। ठीक है, बोला द रिएजेंट विद ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद गिव कॉरेस्पॉन्डिंग ग्लूकोज, ग्लूकोज में फंक्शनल ग्रुप क्या होता है बेटा, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड पॉजिटिव टॉलरेंट टेस्ट देता है, सिर्फ रिएजेंट नहीं देगा, HCl साइनोहाइड्रिन रिएक्शन 100% देगा। ठीक है भैया, हाइड्रोक्सिलेमीन ऑक्सीजन बनाता है 100% देगा, NaHCO3 टेस्ट नहीं देगा, क्योंकि ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बना सकता है। इसका आंसर क्या होगा आपका, बी एंड ई, बी और ई कहां है सर, फोर्थ ऑप्शन, क्या सर सही है ना, वेरी सही। आइए, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग है, अरे भैया अनपढ़ इलेक्ट्रॉन निकालो, और फॉर्मूला आपको पता है, म्यू इज इक्वल टू रूट एन एन प्लस टू, ये क्या निकालने का फॉर्मूला होता है, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, नॉट ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। तो स्पिन में देखिए अनपढ़ इलेक्ट्रॉन देखिए, क्रोमियम प्लस टू है, क्रोमियम का 4s1 3d5 आपको एक्सेप्शन मालूम होना चाहिए, तो 3d4 हो जाएगा, d4 का मतलब चार अनपढ़ मिल जाएंगे। Fe+2 कितना होता है, Fe+2 का होता है आपका 4s2 3d, कितना होगा 6, दो निकाल दो, d6 को जब भरोगे 1 2 3 4 5 6 में भी कितने होंगे 4, यानी b और d आपके सामने, बताइए सर कौन सा है, ऑप्शन सेकंड, हेनरी लॉ आ गया है सर के पास। अब देखिए ये हेनरी लॉ, ठीक है, हेनरी लॉ तो जानते होंगे, हेनरी लॉ पहले किस चैप्टर का, ये पहले देखा जाए तो ये बहुत फेमस चैप्टर पढ़े होंगे क्लास 12 में, सॉल्यूशन चैप्टर, तो उसमें एक इक्वेशन पढ़े होंगे आपने, उसका इक्वेशन होता है ये प्रेशर इक्वल टू केएच इनटू एक्स, एक्स क्या होता है यहाँ पे होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, या इसी को कहते हैं सॉल्युबिलिटी। अगर यहाँ दिया गया है क्या क्वेश्चन पहले पढ़ा जाए, द हेनरी लॉ कांस्टेंट केएच वैल्यू ऑफ थ्री गैसेस ए बी सी आर दिस। अब देखो यहाँ पे जो पूछा गया है सॉल्युबिलिटी ऑफ दिस गैसेस, इसका मतलब ये हो गया कि भैया आपका जो अगर प्रेशर जो है अगर वो कांस्टेंट कर दिया जाए तो केएच क्या हो जाएगा, केएच आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी, ठीक है, आपके पास क्या आ जाएगा, दिस इज आल्सो कॉल्ड सॉल्युबिलिटी, इसे हम लोग सॉल्युबिलिटी कहते हैं। अब देखो क्या दिया गया है, केएच, केएच सबके लिए दिया है, मतलब हेनरी कांस्टेंट, किसके लिए, ए के लिए कितना दिया 142, सॉरी कितना है 145, और इसके बी के लिए भी दे दिया है, और
सी के लिए दिया। तो भैया सबसे कम किसकी होगी, सबसे कम देखा जाए तो बी का दिया है, तो मतलब सबसे ज्यादा कौन सा अनुबल होगा, बी। उसके बाद कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, उसके बाद ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन सी हो जाएगा, उसके बाद सर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या बात है, ठीक है, इजी क्वेश्चन था सर, बहुत इजी था, अभी तो सब क्वेश्चन इजी लग रहा है, एकदम इजी था, बच्चे फोड़ गए, एकदम फोड़ रहे हैं सर बच्चे, पता चला 180 में 180 में है ना, ऐसे बहुत लोग होंगे 63 अब ये लूकॉल्स टेस्ट है यार, मतलब तो मतलब ही नहीं है यार, ये तो बहुत बार पढ़ लिया, अल्कोहल देता है कौन सा 3 डिग्री इमीडिएट डिटरमिनेंट देता है, ठीक है, तो 3 डिग्री देख कहां है, ये 1 डिग्री है, 1 डिग्री ये भी 1 डिग्री है, 3 डिग्री फर्स्ट है मतलब, अरे यार 64 क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यार बेसिक है, क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हैं अपन लोग, ठीक है, सबसे ज्यादा किसकी होती है, FONX फ्लोरीन की होती है, कितनी 4, फिर किसकी होगी ऑक्सीजन की, कितनी 3.5, नाइट्रोजन कितनी होती है 3, कार्बन कितनी होती है 2.5, सिलिकॉन की उससे क्या होगी कम होगी, तो भैया देखो कौन सा है सर बता दीजिए, फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन, ऑप्शन थर्ड यानी सेकंड, ये बच्चा गलत कर दिया सर, ठीक है बच्चा पढ़ लिया, चलिए कोई बात नहीं है, 65 क्वेश्चन को देखते हैं, 65 जो है बहुत आसान है ऑर्गेनिक का सर, ठीक है, एकदम एनसीईआरटी में भाई, ये देखो इससे ये बन रहा है, और इससे ये बनाने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, एसिड क्लोराइड लेना पड़ेगा, यानी देखो ये क्या है पेडल क्राफ्ट एसाइलेशन, यानी बी का क्या होगा तुम्हारा फर्स्ट, सही है ना सर, जी जी बिल्कुल सही सर, बी का फर्स्ट, 2 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर रहा है कीटोन में, कहां गया है मार दीजिए, ये देखिए CH3CH2 है, CH3CH2 और बोल रहा है यहाँ पे क्या बनने वाला है सर बता दीजिए थोड़ा, तो एसिड बन रहा है उसका सॉल्ट बन जा रहा है, एसिड का सॉल्ट बन गया, देख KMnO4 वाला ये हो गया, ठीक है, तो ऑप्शन मिला लीजिए, और ए का कौन सा होगा सर, ए का फोर्थ हो जाएगा, अरे यार ओजोन है यार डबल बॉन्ड, देखो कौन सा होगा, ए का पहले बताइए, बी का फर्स्ट, किसमें बी का ऑप्शन फोर्थ आ रहा है, ऑप्शन फोर्थ आ रहा है सर, श्योर है आपकी बात मान लू मैं, है ना, मान लिया मैंने, ठीक है, ये देखिए फेराडे वाला मुझे सबसे अच्छा क्वेश्चन फिजिकल का लगा, तो डिस्कस करेंगे, तो ये जो क्वेश्चन आया हुआ है ये है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन दिया गया है कि 1 मोल H2O2O2 कन्वर्ट हो रहा है, तो इसमें कह रहा है जब ये कन्वर्ट हो रहा है तो कितने फराडे इक्विवेलेंट लगेंगे, तो इस क्वेश्चन को देखो, तो अगर अगर किसी को ये पता हो कि H2O जो हो ऑक्सीडाइज हो के O2+2H++2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अब देखो इसमें क्या है कि अगर इसका कितना मोल लिया जाए, 1 मोल का है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कितना कहा है 1 मोल, तो अगर इसका 1 मोल लेंगे तो हमको पता है इसमें कम से कम 2 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, अब तुम्हें पता है कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1 फराडे, तो ये 2 मोल पे कितने हो जाएंगे 2 फराडे, इसका मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा 2 फराडे, मतलब ए का सेकेंड आ जाएगा, जिस ऑप्शन में ए का सेकेंड आएगा वो करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन सेकेंड हो सकता है या ऑप्शन 4 हो सकते हैं, उसके बाद क्या है कि 1 मोल ऑफ MnO4, ये तो बहुत बार निकाले होंगे, MnO4 में ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, इसका होगा +7 जी सर, और इसका कितना हो जाएगा Mn में, इसका हो जाएगा +2, इसका मतलब इसमें कितना चाहेगा आपको 5 इलेक्ट्रॉन, मतलब 5 मोल इलेक्ट्रॉन, मतलब 1 मोल मतलब इलेक्ट्रॉन के लिए आपको चाहिए 1 फराडे, तो 5 मोल के लिए 5 फराडे, तो इसका क्या हो जाएगा बी का आपका हो जाएगा आई थिंक 4th हो जाएगा, इसका मतलब बी का कौन हो जाएगा 4th हो जाएगा, तो ऑप्शन निकाल सकते हैं और ए का सेकंड है, ठीक है, यही सर बी मिल, तो बी इज द करेक्ट आंसर, अगर चाहो तो चेक कर सकते हो एक सी वाला भी, बहुत बढ़िया यहाँ पे दिया गया है सी वाला, देख लीजिए कि कैल्शियम क्लोराइड कह रहा है कि जब कैल्शियम क्लोराइड को हीट किया जा रहा है कैल्शियम क्लोराइड, तो देखो पहले कैल्शियम में क्या हो सकता है कैल्शियम 2++2Cl-, तो अब समझना कि अगर कैल्शियम 2+ से कैल्शियम जाना है कितना कैल्शियम 2+ से आपको कन्वर्ट करना है कैल्शियम में, तो आपको चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसका मतलब समझना यहाँ पे कि कितने मोल, अगर 1 मोल लिया जाए कैल्शियम 2+ तो वहां 2 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको, ठीक है, किस में कन्वर्ट होने के लिए कैल्शियम में, तो इसमें क्या किया कि 1.5 मोल दिया, मतलब 1.5 को ले सकते हैं 3/2, ठीक है, इसका मतलब कि 3/2 × 2 कर दें फराडे, तो कितना हो जाएगा ये 3 फराडे, ठीक है, तो इसके लिए क्या आंसर हो जाएगा 3 फराडे, तो ऑप्शन ही आ गया सर ने, तो पहले ही बता दिया, अच्छा था ना सर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, इसमें थोड़ा सा हो सकता है लॉजिकली लगा सकते हो, बाकी और सब क्वेश्चन तो करने लगता सर, रिडॉक्स का क्वेश्चन, रिडॉक्स देखिए, हाँ ये देखो ये जो चैप्टर दिया गया रिडॉक्स रिएक्शन में, इसमें बताना क्या है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिडॉक्स रिएक्शन, मतलब कि इसमें रिडॉक्स का मतलब ही समझ रहे हो कि ऑक्सीडेशन होना और रिडक्शन होना, तो देख लो पहला ऑप्शन चेक कर सकते हैं, पहला ऑप्शन में क्या हो गया, अगर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला जाए बैरियम का तो यह आएगा +2, और इसमें निकाला जाए बैरियम सल्फेट में ये कन्वर्ट हो रहा है तो इसमें भी +2 है, मतलब कोई ना ऑक्सीडेशन हो रहा है ना रिडक्शन हुआ, तो पहले ही ऑप्शन सर हो सकता है, ठीक है, बहुत बेसिक क्वेश्चन था, इसमें तो ऐसे ही कर सकते, ये तो बहुत फेमस इक्वेशन पड़े होंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, चलिए तो ये चलते हैं, तो इजी है, बहुत इजी क्वेश्चन था सर, आ जाइए सर, देखिए आ गया ऑर्गेनिक का, ऑर्गेनिक का तो सर डिस्कस करते हैं, क्या बोल रहा है सर, ये क्या बोला, अरे एल्किल से भी है,
भाई यार बहुत आसान क्वेश्चन है, जी लेकिन सर रिएजेंट आपको क्लियर होगा पता पहली होना बार। चाहिए। पहले तो आप हाइड्रोबोरेशन कर दोगे, जी हाइड्रोबोरेशन करते हो तो यहाँ पे कार्बन पे क्या लग जाएगा अभी, क्योंकि वहां अटैक करता है हाइड्रोबोरेशन के से जा हिंड्रेंस कम, कम और फिर जी उसके बाद H2O2 भी हटा के लगा देगा यहाँ पे OH। अभी एल्कोहल कितने डिग्री का, 1 डिग्री एल्कोहल क्या बनाना है, एल्डिहाइड, यानी पीसीसी की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी बच्चों, पीसीसी की। देख ले भैया कहाँ है जल्दी बता दे, पहला हाइड्रोबोरेशन फिर H2O2 OH, नहीं KMnO4 नहीं, कहाँ गया सर हाइड्रोबोरेशन, हाइड्रोबोरेशन हाइड्रोबोरेशन ऑप्शन नंबर थर्ड लग रहा है सर, ये थर्ड वाला पी ऐसे मिला हुआ है कि समझ में नहीं आ रहा, कहाँ थोड़ा ऑप्शन सा गया, लेकिन आपको समझ में आ जी चुका जी होगा। ये देखिए बहुत फर्जी क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन तो हम कराते भी नहीं है, ये ठीक तो है। सर शायद क्लास में 69, आपने नहीं हाँ होगा बहुत क्लास में सारे। बच्चों को बोलते हैं अपने से कर लो, द मोस्ट स्टेबल कार्बोकोडाइन अमंग द फॉलोइंग, मजाक कर रहा है भाई, देखो ये कार्बन 3 डिग्री का, 3 डिग्री कार्बोकोडाइन मोर स्टेबल, बाकी सबको देखने की जरूरत नहीं, क्यों टाइम बर्बाद करना पड़ेगा। ये देखो ये कोई क्वेश्चन है 70, द ग्रुप 16 एलिमेंट विच डज नॉट शो -2, भैया ऊपर वाले -2 शो करेंगे, नीचे जाने पे साइज बढ़ेगी, मेटालिक प्रॉपर्टी बढ़ेगी, तो -2 कम शो करेंगे, +2 शो करेंगे, नीचे कौन होता है, पोलोनियम, तो पोलोनियम इज द राइट आंसर, ठीक है। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 71 जो सर आपको डिस्कस कराएंगे एटॉमिक का, तो ये है एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन। इसमें हो सकता है बच्चे थोड़ा से फंस सकते हैं, अगर थोड़ा से उनके फार्मूला नहीं याद हुआ तो आप लोगों को मतलब फार्मूला पता होगा कि अगर कोई भी हाइड्रोजन एटम या कुछ भी होता है जस्ट लाइक एटम, तो उनके लिए एनर्जी जो होता है ग्राउंड स्टेट के लिए वो होता है कितना, -30.6 Z² / N² इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे बात किया क्या क्या, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट N=1, ठीक है, आपको दे दिया भैया N=1 दे दिया है, और क्या दिया है हीलियम आयन, हीलियम का एटॉमिक नंबर Z=2 होता है, ठीक है। कह रहा है कि इसके लिए जो आपके पास आया है एनर्जी ग्राउंड स्टेट में उसकी वैल्यू कितनी दे दी है -X, ठीक है। तो अगर कैलकुलेट कर दिया जाए तो क्या आ जाएगा, En बराबर -13.6 Z² कितना है इसके लिए 2 × 2² 4 हो जाएगा, अपॉन इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां पर रखा जाए N² मतलब 1 दे दिया, इतनी वैल्यू, दिस इज द वैल्यू ऑफ -X, ये कह दिया गया -X। अब कह रहे हैं कि इसी में क्या किया जाए कि इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है N=2 में, लेकिन अब जो ले लिया गया एटम आपका आयंस वो है बेरिलियम, बेरिलियम 3+, तो इसके लिए अगर निकाला जाए तो कितना हो जाएगा -13.6, बेरिलियम के लिए एटॉमिक नंबर कितना होता है 4, 4² 16 हो जाएगा, अपॉन यहां दिया गया एन की वैल्यू 2, तो यहां एन की वैल्यू 2 रखें कितना 4, तो ये कट करके कितना आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, इसका मतलब दिस इज द ऑल्सो वैल्यू इक्वल टू -X, इसका मतलब इसके लिए जो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी होगी वो इक्वल होगी किसके लिए, जो आपने निकाला है हीलियम प्लस के लिए, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड ही देखा, इजी बॉस मॉडल एकदम क्लियर होना चाहिए था, ये है सर ऑर्गेनिक का, ये सर ऑर्गेनिक का फेवरेट क्वेश्चन, बता सकते हो ऑर्गेनिक का हम भी बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपन लोग मिलकर बता रहे हैं। 72 क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है यार, इथेन में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, लेकिन ध्यान से पढ़ना, टोटल सिग्मा बॉन्ड काउंट नहीं करना है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, बिटवीन टू कार्बन कार्बन के बीच, कार्बन कार्बन के, ठीक है, तो कार्बन कार्बन के बीच में एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है 1 सिग्मा, एल्कीन में 1 सिग्मा और एक क्या होता है पाई होता है, एल्काइन में 1 सिग्मा और कितने होते हैं 2 पाई, और C2MOT का पार्ट है, और MOT जब हम तुमको पढ़ाए तो मैं बोले थे कि C2 में दोनों बॉन्ड जो होते हैं वो होता है पाई बॉन्ड, ठीक है, मैच कराइए सर, कौन सा आंसर मिल रहा है बताइए थोड़ा। तो अगर सर देखा जाए तो डी का पहले देख लीजिए, डी का इथाइन में क्या होगा, इथाइन का जो होगा 1 सिग्मा 2 पाई हो जाए, सिग्मा 2 पाई कहां है, फर्स्ट ऑप्शन D1, यानी ऑप्शन थर्ड या फोर्थ हो सकता है इसमें से, आप सी का देख लीजिए, सी का भी सी का, तो अलग अलग बताते हैं, बी का थर्ड दिया है, बी का थर्ड 1 सिग्मा, बिल्कुल सही है, इथीन में 1 सिग्मा होता है जी, होता है, और एक पाई होता है, लेकिन एक पाई ए का सर सेकंड कर दीजिए, ए का सेकंड कर दो, यानी कौन सा ऑप्शन, नहीं नहीं तो एक सेकंड, ए का क्या हो जाएगा 1 सिग्मा ना, ए का थर्ड हो जाएगा सर, ए का थर्ड ऑप्शन नंबर ये हो गया, थर्ड ऑप्शन फोर्थ हो गया, थोड़ा मिलाना पड़ता है यार, इजी क्वेश्चन है सर, आओ भैया देख लो, ये तो आ गया आपका केमिकल इक्विलिब्रियम का, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी नहीं करना था, आपको के की वैल्यू दे दिया, ये इक्वेशन दिया गया है, इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन दी गई हुई है, इसके लिए आपके आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे दिया 4 × 10⁻³ -3, अगर दिया गया कि किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पे कंसंट्रेशन दे दिया किसका, ए का बी का सी का, और दो ठीक है तीनों इक्वल कर दिया, तो इसके लिए सबसे पहले क्यू निकालते हैं, किसी और कंसंट्रेशन में निकालना हो तो उसके लिए क्यू निकालोगे, तो क्यू के लिए क्या करोगे, कंसंट्रेशन ऑफ बी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ सी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए का स्क्वायर, अब कह रहे हैं बी का कंसंट्रेशन, सी का कंसंट्रेशन और ए का कंसंट्रेशन, वो तीनों कह रहे हैं बराबर है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहां से बराबर कर देंगे तो ये ओवरऑल कैंसिल ही हो जाएगा, तो इसका मतलब क्यू की वैल्यू यहां से निकालोगे तो कितनी हो जाएगी 1, अब देखो के की वैल्यू कितनी आई, अगर इसको अच्छे से लिखा जाए तो 0.004, ठीक है 0.004, और के की जो इसकी वैल्यू आई है क्यू की वो कितनी है 1, इसका मतलब
कि आपका जो क्यू है वो ग्रेटर देन के, ठीक है। इस केस में पढ़े होंगे कि अगर क्यू इज ग्रेटर देन के होता है तो रिएक्शन कहां जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो इसका मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन कौन सा ऑप्शन होगा सर? एक ही ऑप्शन नजर आ रहा भाई, फोर्थ वाला तो बाकी सब फॉरवर्ड। बढ़ा दीजिए खतरा। आइए भैया देखते हैं बॉलिंग पॉइंट का। ये तो ऑप्शन फैमिली का क्वेश्चन है। द बॉलिंग पॉइंट एस टू एस टू टी गेस। सबसे पहले क्या देखेंगे? हेड बॉन्डिंग। एस टू के अंदर हेड बॉन्डिंग होता है, बाकी किसी के अंदर हेड बॉन्डिंग होता नहीं है। सेकंड क्या देखेंगे? मॉलिक्यूलर वेट। इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा तो बॉलिंग पॉइंट ज्यादा, तो बॉलिंग पॉइंट का ऑर्डर बिल्कुल सही है। और एस टू की बॉलिंग पॉइंट क्यों ज्यादा हो जाए जबकि मॉलिक्यूलर वेट कम है? बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। भैया कौन सा? इंटर। देखो दिया हुआ है तो दिमाग नहीं लगाना है। बहुत स्टेटमेंट वाले स्टेटमेंट हुआ करेक्ट। कौन सा आंसर है सर? ऑप्शन सेकंड वाला। ठीक है आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 बहुत प्यारा क्वेश्चन है भैया। मोल का सर देखो, क्वेश्चन नंबर 75 में एक चीज देखा होगा, इसमें पूछा गया 1 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड वाज क्रिएटेड विद 25 ml ऑफ 0.75 HCl solution, the mass of sodium hydroxide left. इसका मतलब पहले ही कह दिया left बचा हुआ है, मतलब this is the not a limiting reagent. Limiting reagent कौन हो जाएगा आपका? Simple सा HCl, ठीक है? तो इसमें कैसे करोगे? इसके निकालो number of moles, 1 gram sodium hydroxide दिया तो 1 weight upon, ठीक है, weight कितना दिया 1 gram, तो यहाँ निकालो number of moles, number of moles 1/40 आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ निकालो number of moles, तो पहले अगर करोगे तो 25 इंटू इसकी अगर इंटू कर दिया तो ये आ जाएगा 0.75। दिस इज द मिलीमोल। अब मिलीमोल को ठीक है कन्वर्ट कर दो मोल में, ये आ गया। इसका मोल इतना आ जाएगा और इसका इतना आ जाएगा। दोनों को क्या कर दें? सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वहां से आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH आ जाएगा। अब आपको निकालना क्या है? आपको निकालना कि मास कितना बचा हुआ, तो ये आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH लेफ्ट। ठीक है, लेफ्ट कितना हो जाएगा? जो भी आएगा यहाँ से वैल्यू आ जाएगी। अब क्या करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स निकल गया, पता है नंबर ऑफ मोल्स बराबर क्या होता है? वेट अपॉन उसका मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास भी कहते हैं उसे, जो कि 40 होगा। तो 40 से इंटू कर देंगे तो वेट कितना हो जाएगा? 40 इंटू जो वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी नंबर ऑफ मोल्स, निकाल दोगे तो आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें जब निकालोगे तो 250 इज द करेक्ट आंसर। लिमिटिंग कौन सा सर? लिमिटिंग सर यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो जाएगा आपका? HCl हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज देखिए क्वेश्चन यहाँ दिया गया लेफ्ट हो रहा है, मतलब जो बचा है तो भैया बचा है तो एक्सेस हो जाएगा सर, वहाँ देखना भी नहीं यहाँ पे। अरे केपी केसी के बराबर ही तो सर ये बता देंगे ना, बहुत आसान है। केपी बराबर केसी सर, इस केस में क्या होगा? केपी इक्वेशन जानते हैं, केपी बराबर क्या होता है? केसी आरटी के पावर डेल्टा एनजी। अब देखो ये यहाँ पे जो है डेल्टा एनजी की वैल्यू अगर जीरो हो जाए, मतलब जीरो मतलब डेल्टा एनजी की वैल्यू जीरो मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट करते हैं, तो जिसमें इक्वल होगा उसमें क्या हो जाएगा? दोनों बराबर हो जाएंगे सर, जिसमें नहीं होगा वो नहीं होगा। तो देखिए किसमें बराबर है, तो इसमें जो पूछा गया नॉट इक्वल पूछा गया है, समझ रहे हैं? मतलब केपी इज नॉट इक्वल टू केसी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सेकंड इज द करेक्ट आंसर। इसमें इक्वल है नहीं, देखिए। अरे यार ये देखो आईपीएससी पूछ दिया गया सर, लेकिन अब ये क्वेश्चन समझ जाओगे तो तुरंत कर लोगे। टू टर्शियरी कार्बन, दो टर्शियरी कार्बन होने चाहिए, और दो टर्शियरी कार्बन होने का मतलब आपको स्ट्रक्चर कैसा बनाना पड़ेगा कुछ इस तरीके से। देखो ये भी कार्बन 3 डिग्री का है और ये भी कार्बन 3 डिग्री का है, टोटल कार्बन 1 2 3 4 5 6 है। अब आईयूपीएससी लिख लो यार, नंबरिंग कर लो यार, कितना आसान है। 2 और 3 पे क्या बच गया? डाइमिथाइल। 2, 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, कौन सा ऑप्शन है? अरे ये तो सही लगाया यार। फेलिंग सोल्यूशन ये तो बहुत आसान है। फेलिंग सोल्यूशन आपको पता ही है क्या होता है? एक्वस कॉपर सल्फेट होता है, एक्वस कॉपर सल्फेट, नॉट एल्कलाइन कॉपर सल्फेट, यानी ये भी सही है। ठीक है, इस पर टाइम नहीं बना। अरे यार ये तो केमिकल बॉन्डिंग का बहुत आसान है। अच्छा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में टाइम नहीं मत लगाना। अमोनिया का सेट क्या होता है? पिरामिडल। तो किस ऑप्शन में पिरामिडल है? क्या पूछा गया? द हाईएस्ट नंबर ऑफ हीलियम एटम इन, किसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम होंगे हीलियम के? तो देखो पहला जो दिया गया है, देखते हैं पहले 4 मोल वाला। ठीक है, 4 मोल क्या दिया गया आपको? हीलियम दिया गया है। इसका मतलब समझना, 4 मोल हीलियम का मतलब ये हो गया कि इसमें जो एटम होंगे हीलियम के वो होंगे 4 into Na। ठीक है, ये आ गया क्या? हीलियम के एटम 4 मोल में। इसके बाद दिया गया 4U ऑफ हीलियम, इसका मतलब ये हो गया, 4U का मतलब ये होता है कि ये यहाँ पे जो दिया गया हीलियम का मास ही ये होता है, लेकिन एक एटम का मास होता है सिर्फ हीलियम के। ठीक है, तो जो इसमें होगा ये क्या होगा? 1 एटम है सिर्फ हीलियम के, इसमें 1 एटम है। इसमें कितने हैं? 4 into Na है, और इसमें अगर निकालना जाए तो इसमें हो जाएगा 4/Na हो जाएगा। ठीक है, तो अगर देखा जाए, और ठीक है
तो इसमें क्या हो जाएगा, 4 into NA, दिस इज द करेक्ट आंसर। इसमें क्या होगा, 4 times NA है, ठीक है। और पहला भी ऑप्शन देख लोगे तो उसमें भी क्या आएगा, 0.1 into NA आएगा, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो भैया कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। चलो इस बार इवॉल्व से तो दो दो लोग आओगे, 180 में 180 केमिस्ट्री में तो हो गया सर, केमिस्ट्री में तो हो गया, केमिस्ट्री में तो 180 हो गया। 81 पता होगा तो ये लिख सकता है क्या चीज, अगर देखा जाए ग्राफ इसका जो होता है, तो अगर किसी को नहीं पता तो देख सकता है ln के बराबर EA/R, ठीक है। और यहां से अगर देखा जाए तो यहां पे अगर निकाल दिया जाए पहले, तो ठीक है पहले कर्व ऐसे आएगा ये इस टाइप से, ठीक है। देखा जाए तो यहाँ पे जो स्लोप आता है वो आता है -EA/R, और यहाँ पे एक्स एक्सिस पे कहा इन्होंने क्या रखना है, 1/T रखना है, और यहाँ पे रखना है ln k, ठीक है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लिया जाएगा, अभी यहाँ पे मान लो ऐसे के बराबर a(e^-ea/rt), बस दोनों तरफ ln ले लेना है, ln लेकर के यहाँ कर देंगे, एक नेगेटिव आएगा, बस -ea/r, दिस इज लो, एक ही में नेगेटिव कहां इसमें सर है, फर्स्ट, तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, इंटरसेप्ट पॉजिटिव होगा इसमें, ठीक है। अब देखो ये एनिलीन वाला है, एनिलीन विल नॉट सफर का फ्रैक्शन, बिल्कुल सही, तो फिर उनका फ्रैक्शन कराओगे तो एनिलीन में तो एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है और क्लास नोट्स में भी लिखा हुआ है कि अगर हम CH3Cl(NaCl)CL3 सिलेक्शन कराते थे तो ये अपना लोन पर पहले देखिए डीएक्टिवेट कर देता है, रिंग को डीएक्टिवेट रूप में प्राप्त होता नहीं, तो स्टेटमेंट मान तो बिल्कुल सही है। अच्छा दूसरा क्या है तुम्हारा, एनिलीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय ग्रेविल्स, नहीं एनिलीन नहीं बनता है, प्राइमरी एमीन बनता है। एनिलीन कैसे बना पाओगे, एनिलीन बनाने के लिए तुम्हें कुछ कंपाउंड ऐसा चाहिए, और मैकेनिज्म देखते हो तो प्राइमरी एमीन क्यों बनता है, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन होता था न्यूक्लियोफिलिक एसिड, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसका लोन पर कंजुगेशन में रिएक्शन होगा ही नहीं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट सही है, और एनिलीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड थ्रू देयर, बिल्कुल सही है, यानी वो तो स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट हुआ, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सर, सेकंड, सेकंड इज द करेक्ट, आगे चलते हैं। 82 तक हो चुका है, 83 फिर से आ गया, अरे यार ये तो आसान है, इंट्रा मॉलिक्यूलर पूछा, इंट्रा इंटर नहीं, तो इंट्रा किस में होगा, बहुत बार लगा चुके हैं ऑर्थोडाइट्रोफिनॉल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 84 क्वेश्चन में क्या है, 84 ये तो सर एंट्रोपी बताना है, एंट्रोपी ये तो बहुत आसान है, बिल्कुल सर आप ही बता दीजिए सर, बताएंगे बस आराम से, देखिए ये गैस से 2 मोल गैस में जा रहा है, लिक्विड वेपर में जा रहा है, एंट्रोपी बढ़ेगा, ठीक है। ये देखिए टेम्परेचर क्रिस्टलाइन सॉलिड, टेम्परेचर कम हो रहा है सर, तो इसका ना टेम्परेचर कम होगा तो गैस पास पास आएंगे, तो डेंसिटी कम होगी, एंट्रोपी कम हो तब हो जाएगी, तो आंसर क्या होगा इसका, तो आंसर ये हो जाएगा AD और C, ये ऑप्शन 4 हो जाएगा सर, ठीक है। ये देखो ना सॉलिड से सॉलिड लेकिन गैस भी तो बनता है ना, ठीक है आगे चलते हैं। ये बहुत आसान है, ये तो आई जो बताओ NO2 कैसा लिगेंड होता है, एम्बिडेंट लिगेंड, और एम्बिडेंट लिगेंड कैसा शो करता है तुम्हारा लिंकेज, NO, ONO, तो इसका तो लिंकेज हो जाएगा, यानी इसका हो गया आपका सेकंड। अब बताओ यहां पे क्या है, SO4 बाहर दिया रंग, ये क्या हो रहा है तुम्हारा, आयनाइजेशन है, इसमें पास हो ना आयनाइजेशन, क्योंकि AgNO3 पास कराओगे AgCl खींचेगा, ठीक है। BaCl2 पास कराओगे तो BSO4 का PPT बनाएगा, तो ये आयनाइजेशन हो गया। कौन सा ऑप्शन है सर इसका, सर इसका अगर देखा जाए तो थर्ड हो जाएगा। अब इसका देखिए ये दो कॉम्प्लेक्स है, कैटायनिक एनायनिक क्वाटरनेशन आइसोमर, यार फोर्थ मार दो, ठीक है। और ये हाइड्रेशन है, वाटर को देखते ही हाइड्रेशन, तो कौन सा मैच कर रहा है सर, ऑप्शन सेकंड सर, ऑप्शन सेकंड मैच कर रहा है, ठीक है। आइए आइए जल्दी जल्दी आइए, हाँ ये देखो ये क्वेश्चन जो है मोल कांसेप्ट का एम्पिरिकल फार्मूले वाले क्वेश्चन है सर इसमें, तो इसमें क्या करना है, जो आपको दिया गया है एटॉमिक मास दे दिया गया है, और दिया गया ए का, ए का कितना परसेंट है, 32% ए है, बी कितना है आपका 20% है, और जो बचा हुआ वो कितना है, वो है आपका सी, तो कितना बचा जाएगा, देखो ए आपको कह रहा है 32 ग्राम, मान लो 100 अगर लेते हैं तो ये 32 ग्राम हो जाएगा, बी आपका 20 ग्राम हो जाएगा, और जो सी बचेगा तो 100 में से माइनस कर दीजिए 52, तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 48 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब आपके पास कंपोजिशन बता है, ए बी सी बता हुआ है, आपको क्या निकालना, इंपेरिकल फार्मूला, तो क्या करना, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिया जाए ए का, तो ए का जो दिया गया एटॉमिक वेट कितना, 32/64, और इसका कितना दिया गया नंबर ऑफ मोल्स अगर निकाला जाए तो 20/ इसका दिया है 40, और इसका दिया जाए 32/48, अगर ये कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 0.5, ये आएगा 0.5, ये आएगा 1.5, तो अब क्या हो चाहिए, ठीक है, दिस इज द इंपेरिकल फार्मूला, मतलब ये होता है सिंपलेस्ट रेशियो में, तो इसका मतलब क्या करते हैं, इसमें अगर इंटू कर दिया जाए, ठीक है, कितने से 2 से इंटू कर दिया जाए, तो इसमें भी 2 से इंटू कर दिया जाए, तो ये आज का आ जाएगा कितना, 1 1, और ये हो जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ए का कितना आ गया 1, बी का कितना हो गया 1, और सी का 3, तो दिस इज द करेक्ट ABC3। अब ये भी जल्दी से करा दीजिए सर, तो इसमें क्या दिया गया, इसमें दिया गया आपको ये देखो, यहाँ पे जो फार्मूला अगर एक पता होगा आपको, तो अर्हेनियस इक्वेशन का ये भी है, लेकिन अलग अलग टेम्परेचर पे निकालने हैं, तो इसके लिए फार्मूला पता है ln K2 / K1 = EA/R,
वन अपॉन टी वन माइनस वन अपॉन टी टू, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर दिस इक्वेशन। कैलकुलेट क्या करना है, एक्टिवेशन एनर्जी को कैलकुलेट करना है। टी वन दिया गया है, टी वन जो दिया गया 27 डिग्री सेल्सियस, इसको केल्विन में कर लिया जाएगा, टी टू भी ठीक है कन्वर्ट कर लेना है। तो यहां से जो कैलकुलेट करके आएगा आंसर, तो अगर मान लो यहाँ के टू बाई के वन देख लिया जाए एक बार, ठीक है। तो देखो यहाँ कहा गया कि भैया क्वाड्रपल का मतलब होता है के टू कितना हो जाएगा, फोर टाइम्स के वन हो जाएगा, ठीक है। क्वाड्रपल मतलब फोर टाइम्स, ठीक है। तो इसका मतलब अगर यहां से निकाला जाएगा तो एल एन फोर बराबर ई ए बाई आर, आर की वैल्यू भी दिया गया है और ये, ठीक है। तो यहां से टेम्परेचर आपको दिया गया है, आर भी दिया गया है, कितना रखना है आर की वैल्यू, आर की वैल्यू रखना है आपको 8.314 जूल पर केल्विन। तो यहां से अगर निकाला जाएगा तो यहां से ई ए जो आएगा, एक सेकेंड, ई ए जो आ जाएगा यहां से कितना आ जाएगा 38.04 किलो जूल पर मोल में। तो आंसर कौन सा होगा सर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये बताइए सर 88 सॉल्ट एनालिसिस का है। देखो यहाँ पे क्या है, सॉल्ट एनालिसिस है। तो यहाँ पे देखा जाए तो आप देखो यहाँ Mg2+ है। Mg2+ क्या होता है, एकदम लास्ट में आता है, कौन से ग्रुप, लास्ट में पांचवें ग्रुप के बाहर चले जाते हैं। और ये जो कोबाल्ट है, कोबाल्ट जो है उससे पहले आएगा, सबसे पहले कौन आएगा सेकंड ग्रुप के, कॉपर। भैया कॉपर 2+ सेकंड में आ जाएगा, थर्ड में कौन हो जाएगा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम आएगा, फिर उसके बाद कौन सा आएगा, उसके बाद आएगा कोबाल्ट आ जाएगा, उसके बाद बैरियम आ जाएगा, देन लास्ट में मैग्नीशियम आ जाएगा। मतलब ई एकदम लास्ट में होगा और बी सबसे पहले होगा, ई लास्ट में बी पहले, तो दो ऑप्शन दिखे। और इसके बाद कौन सा हो जाएगा, इसके बाद आपका हो जाएगा बी के बाद, बी के बाद होगा आपका ए हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी, तो ये देखो सॉल्यूशन चैप्टर का ऑस्मोटिक प्रेशर का जिसने फॉर्मूला भी अगर पढ़ा होगा यहाँ पे तो वहां से कर सकता है। पाई बराबर होता है सी इंटू आर इंटू टू टी। तो आर टी क्या दिया गया है कि आर टी आपके पास अगर देखा जाए, जो ये जो यहाँ क्वेश्चन दिया गया है स्ट्रेट लाइन कर्व, जी ठीक है, किसके किसके बीच में, पाई और टी के बीच में स्ट्रेट लाइन कर्व ड्रा करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर देखा जाए स्ट्रेट लाइन अगर ड्रा करोगे तो वाई बराबर एम एक्स लाइन होगी। तो यहाँ पे जो स्लोप आ जाएगा वो कितना हो जाएगा आर टी, आर टी क्या है यहाँ पे स्लोप है। अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर आर टी स्लोप है तो यहाँ पे कितना दिया गया स्लोप की वैल्यू, स्लोप की वैल्यू दे दिया गया 25.73, आर की वैल्यू भी दी गई है कितना 0.083, और टी की वैल्यू यहाँ जब निकालोगे तो यहाँ पे आएगा टी की वैल्यू 310 केल्विन में आ जाएगा, ठीक है 310 केल्विन में। लेकिन आंसर देखो यहाँ 310 डिग्री सेल्सियस, बहुत मिस्टेक होता है सर इसमें, 310 केल्विन में आया है, 310 डिग्री सेल्सियस तो नहीं, आंसर किस में लाना है आपको, डिग्री सेल्सियस में। तो क्या करना है, -273 करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास डिग्री सेल्सियस में, जितना आंसर हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस। तो ये आंसर ठीक सर, और कैसा 90 उड़ा दीजिए खटाक से। देखो 90 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है, एक लाइन के क्वेश्चन, अगर जिसको फार्मूला भी पता होगा कि देखो क्वेश्चन कहा गया कि भैया कितना आपके पास सिर्फ कितना कॉपर डिपॉजिट होगा, कॉपर डिपॉजिट मतलब कॉपर 2+ दो इलेक्ट्रॉन ले करके कैथोड पे जाएगा, तो ये कॉपर सॉलिड में होगा। अब कह रहा है कि अगर करंट कितना पास किया जा रहा है, 9.6 इतना करंट पास किया जा रहा है, और कितने टाइम के लिए, 100 सेकंड के लिए। तो एक फार्मूला पढ़े होगे कि भैया कितना डिपॉजिट होगा, डिपॉजिट कितना होगा, इसके लिए फार्मूला पढ़े होगे ई अपॉन 96500 इंटू आई इंटू टी। देखो टाइम भी पता है सेकेंड में, आई पता है ई, हाँ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई, ये है इक्विवेलेंट वेट ऑफ जो डिपॉजिट हो रहा है, कौन डिपॉजिट हो रहा है कॉपर। तो भैया यहां जब निकालोगे तो इसका होता है 63 और इसका इसका एन फैक्टर लोग दोगे तो यहाँ दो रख दोगे, दिस इज द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट, यहाँ पर रख देना पुट करके जब निकालोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी सर 0.315 ग्राम, ठीक है सर। क्या कैलकुलेशन है, खतरनाक, कुछ करना नहीं बस वैल्यू पुट करना है। चलो जल्दी जल्दी कर, अरे देखो ये भी आ गया सर का क्वेश्चन, बहुत आसान। हाँ ये देखो इसमें देखो दिया गया है कि कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन इन अ सील ट्यूब एट इक्विलिब्रियम कंसेंट्रेशन, आपको दे दिया है ठीक है। तो इक्विलिब्रियम अगर दे दिया कंसेंट्रेशन, तो के अगर इसके लिए लिखा जाए, इस रिएक्शन के लिए के लिखा जाए, तो क्या होगा कंसेंट्रेशन ऑफ N2 इनटू कंसेंट्रेशन ऑफ O2 अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ NO का स्क्वायर, ठीक है। तो अगर यहाँ पे दिया गया जो वैल्यू, यहाँ पे जो दिया गया N2 की वैल्यू दिया है 3 × 10⁻³, इसी तरीके से O2 का दिया है 4 × 10⁻³ अपॉन NO का कितना दिया गया है 2.8 × 10⁻³ का होल स्क्वायर। जब इसकी वैल्यू निकालोगे के की वैल्यू, तो ये आएगी 1.62 के आसपास, ठीक है। तो k की वैल्यू कितनी आएगी 1.62 की आएगी। अब अगर इस इक्वेशन के लिए निकालना जाए, तो NO के लिए अगर लिखा जाए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा N2+O2, तो यहाँ पे इक्वेशन बैलेंस कर लिया जाए 1/2 1/2। अगर मान लिया जाए इसका इनिशियल कंसेंट्रेशन c मान लिया जाए, तो इसका कितना हो जाएगा, मान लिया जाए c है, तो अगर अल्फा कर दिया डिसोसिएशन, अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अगर अल्फा डिसोसिएट करेगा तो इसका, तो इसका कितना बनेगा, मान लो कि अल्फा कर गया डिसोसिएट तो इसका बनेगा सी अल्फा बाई टू, इसका कितना बनेगा सी अल्फा बाई टू। अब क्या करेंगे, ये आपके पास वैल्यू आ गई है सी माइनस अल्फा हो जाएगा ये, तो यहाँ पे अगर के निकाला जाए तो क्या हो जाएगा सी अल्फा स्क्वायर बाई फोर सी स्क्वायर अपॉन सी वन माइनस अल्फा।
अब क्या होगा, यहाँ से सी सी कैंसिल हो जाएगा, के की वैल्यू निकाल लिया 1.62, अल्फा निकालना है, कैलकुलेट करके निकालेंगे तो आंसर आपका जो आ जाएगा यहाँ पे 0.717, दिस इज द आंसर अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यानी फर्स्ट करेक्ट इजी, मतलब बस थोड़ा कैलकुलेटिंग था, कैलकुलेटिंग कर लोगे तो हो जाता, दो तीन क्वेश्चन सर दे दिया है, बिल्कुल बिल्कुल सर, मुझे देख के लग रहा था पर आसान, हां बस बहुत ही ज्यादा। आइए क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं, 92 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चन है, एल्किन करेक्शन के एमिनोपुर एच प्लस से कर रहे हैं, तो जिस कार्बन पैच होता है वहां से क्या निकल जाता है बेटा, एसिड बन जाता है, तो इस कार्बन पे एसिड लगा दो, इस कार्बन पे एसिड लगा दो, तो फाइनल कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा आपका, COH, ये हाइड्रोकार्बन का क्वेश्चन है, जिस कार्बन पे अगर एच नहीं लगा होता तो वहां पे अलग होता, दोनों सी एच थ्री लगे तो कीटोन बन जाता है यार, ठीक है। आइए ये देखिए एफ ब्लॉक का एक क्वेश्चन तो पूछता ही है, ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन से पूछता है पैरा और डाया, देखिए सीरियम तो एक्सेप्शन आपको पता ही है एफ ब्लॉक में, ठीक है ना, तो सीरियम का कॉन्फिगरेशन लिखेंगे और प्लस फोर है, तो प्लस फोर जब करेंगे तो फोर एफ क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा, और जीरो होने का मतलब इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, और इसका कितना हो जाएगा 4F14, इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो आंसर क्या होगा सेकंड में, टाइम बर्बाद नहीं करना, तुम लोग को पता है ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है यार, अल्कोहल PCl3 क्या करता है, OH बना के Cl लगाता है, और PCl5 भी OH बना के Cl लगाता है, लेकिन ये POCl3 में कन्वर्ट होता है मैकेनिज्म, आप देखे होंगे डायजन प्रोसेस में, और ये क्या बनाता है POH का होल थ्राइस, अब आप बोलोगे POH का होल थ्राइस का मतलब तीन OH है, इसी को हम क्या लिखते हैं H3PO3 लिखते हैं, ठीक है, इसी को क्या लिखते हैं H3PO3 लिखते हैं, बात समझ में आया, तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है सर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला, ठीक है, H3PO3 और PCl3, एक्चुअल में होता क्या है रीअरेंज कर जाता है, तो पी डबल बॉन्ड हो OH OHH, टाइम कम है यार, ये तो बहुत कॉन्सेप्ट बताते हैं, ठीक है। आइए ये तो कोऑर्डिनेशन का इजी है, होमोलिप्टिक सेम लिगेंड, हेटरोलिप्टिक डिफरेंट लिगेंड, तो देखो ये होमोलिप्टिक है कि नहीं, सेम लिगेंड है, यहाँ पे दोनों लिगेंड अलग अलग है, तो हाइड्रोलिटिक स्टेटमेंट वन सही, और कॉम्प्लेक्स दिस हैज नो हैज ओनली वन काइंड ऑफ आइसोमर, बिल्कुल इसमें एक ही लिगेंड है, इसमें दो लिगेंड, दो काइंड ऑफ लिगेंड होंगे, तो स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू दोनों का इसका करेक्ट है, बिल्कुल ठीक है ना, तो ये भी आसान क्वेश्चन। ये देखिए NaCl, ये क्या करेगा, Na+Cl- अटैक लिविंग ग्रुप बाहर, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा CH3 CH2 CH2 CH3, अब बताओ साइनाइड की पार्शियल हाइड्रोलिसिस, देखो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से एसिड बनता है, लेकिन पार्शियल हाइड्रोलिसिस से क्या बनता है सर, अमाइड बन जाता है, अमाइड, और ये देखिए Br2 ऑफ मेथ ब्रोमाइड अमाइड से एमीन, बट डिग्रीज वन कार्बन, याद रखिएगा एक कार्बन कम हो जाएगा, ये कार्बन कम और यहाँ लगा दो NH2 प्रोपेनामीन, यानी कौन सा ऑप्शन सेकंड, आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर, चलो तो बहुत आसान है, ठीक है, थ्री कॉनिकल स्ट्रक्चर डॉट CO3 बन गया, कार्बोनेट का स्ट्रक्चर देखो क्या होगा तुम्हारा, एक रेजोनेंस दो और एक यहां से करेगा, ये सही है एकदम, ठीक है, और बोला BF3 इज नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट, अरे यार BF3 डाइपोल मोमेंट जीरो होता है भाई, देख ले तीन फ्लोरीन है, 1 2 3 इधर 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 रिटर्न खत्म, ठीक है, NH3 इज ग्रेटर डाइपोल देन NH3, गलत है यार, ठीक है, NH3 का डाइपोल ज्यादा होगा तो रिजल्टेंट कहां लग रहा होगा सब, ऊपर NH3 में तीन फ्लोर, नीचे लोन पर ऊपर, तो इसका सही, और ओजोन, ओजोन के कितने स्ट्रक्चर बनते हैं, ठीक है, दो, जिसमें इसमें क्या बोल रहा है कैन बी थ्री, गलत है, यानी आंसर क्या होगा फर्स्ट, ठीक है। 97 के बाद आते हैं 98 बहुत आसान क्वेश्चन है, PBr3 OH हटाओ Br लगाओ, OH हटाओ Br लगाओ, तो यहाँ CH3 लग गया और यहाँ क्या लग गया Br, एल्गोलिक केवच डीहाइड्रो हैलोजनेशन सेट जेफ भाई, यहाँ से अल्फा एच और यहाँ से Br निकाल दो, तो बनने वाली चीज ये कहलाएगी दोस्तों, सर कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इसका बता दीजिए, ऑप्शन सेकंड, सेकंड वाला, मोर सॉल्ट बहुत आसान है यार, इसी बार ऐड किया था, मोर सॉल्ट में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का यूज करते हैं, इजी क्वेश्चन, ठीक है, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट कह दे रहा है, उसके बाद कह रहा है 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस, 1 मोल हाइड्रोजन गैस लिया जा रहा है, प्रेशर कह रहा है कि 20 एटमोस्फियर से कितना हो जा रहा है 10, इसका मतलब प्रेशर क्या हो जा रहा है कम हो जा रहा है, इसका मतलब एक्सपेंशन हो रहा है, अगर कभी भी अगर एक्सपेंशन होगा तो उसमें क्या होता है वर्क डन निगेटिव, तो ऑप्शन देख के भी तुम कर सकते थे थर्ड, ऑप्शन देख के भी वर्क एक्सपेंशन, लेकिन अगर ठीक है संतुष्टि के लिए भाई कैलकुलेट करना है सर, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है आपके पास 2.303 RT log
पी टू बाई पी वन, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा पी वन बाई पी टू हो जाएगा। आर दिया है, टी दिया है, टी भी दिया है, कितना दिया है 25 डिग्री सेल्सियस, लेकिन केल्विन में कर लो 298 हो जाएगा। आर की वैल्यू दिया है 2.3, यहाँ रह के जब निकालोगे सर तो -413 1.4 कैलोरी में आंसर आ जाएगा। आर की वैल्यू कैलोरी भी दिया था, तो ऑप्शन नंबर सर थर्ड हो जाएगा। कुछ तो भी भैया ये बहुत आसान पेपर था हम लोगों के हिसाब से, और बहुत अच्छे अच्छे बच्चे अच्छा करके आए हैं। आई होप आप लोग भी बहुत अच्छा किए होंगे। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, आपका रिजल्ट अच्छा है क्योंकि तो पेपर आसान, पेपर बहुत आसान था केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री का 180 में से सर 175 या 180 आई थिंक आ सकता है। दो बच्चों का 180 आया है, आया हम लोग का 5 भी आया है भाई, तो आप लोग का भी अच्छा आएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।